चले। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अभी तक हम लोग वेक्टर स्पेस को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आज से हम लोग शुरू करेंगे एलटी, दैट मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि वेक्टर, देखिए ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो भी सारे पोर्शंस पढ़ा दिए गए हैं, रिंग थ्योरी, उसके बाद में आपका पॉलिनोमियल रिंग, उधर से मैट्रिसेस भी पढ़ा दिया गया है, मैट्रिसेस भी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और वो मैट्रिसेस भी कंप्लीट करा चुके हैं, वेक्टर स्पेसेस भी कंप्लीट हो गया है। और वैसे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आधा पार्ट आप लोग को पढ़ा दिया गया था, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, रैंक कैसे निकालना है, मैट्रिक्स कैसे रैंक निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, इनवर्स कैसे निकालना है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये आधा पार्ट है। तो आधा पार्ट जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब लास्ट से देखोगे आप लोग, तो लास्ट का आधा मतलब 40% कवर करा चुके हैं। तो हमको स्टार्टिंग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करा देते हैं, 2-3 लेक्चर लगेगा, उसके बाद में ये हमारा जो पेपर हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। चैप्टर का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लास्ट चैप्टर है ये, लास्ट टॉपिक है इस, मतलब लास्ट चैप्टर नहीं है, लास्ट मतलब पढ़ाने के लिए तो सब कुछ पढ़ा दिया गया, बस ये लास्ट में पढ़ाए थे, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा इजी भी है, आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो बहुत ही इजी है, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस से भी ये इजी है, वेक्टर स्पेस से भी ये इजी है। पहले बता दे रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सबसे पहले वेक्टर स्पेस जानना पड़ेगा, वेक्टर स्पेस पता ही होगा, मान लो यू और वी दो वेक्टर स्पेस हैं, क्या है, यू और वी दो वेक्टर स्पेस हैं, ध्यान से। तो एक मैप डिफाइंड कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, यू से वी पे एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं। और अगर ये फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स अगर फंक्शन, पहला कंडीशन, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाए, टी एक्स प्लस टी वाई, और दूसरा कंडीशन टी ऑफ ए एक्स, जहाँ एक्स वाई किसके एलिमेंट होंगे, ये डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का, यू का, और दूसरा केस क्या हो, ये ए कांस्टेंट, ए फील्ड का एलिमेंट होगा, स्केलर होगा, ये बाहर हो जाए, और जहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड और एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू यू। अब देखिएगा, अगर ये लीनियर मैप है, और या तो ये चेक करो, या तो एक अलग कंडीशन है, बता दे रहे हैं एक स्पेशल कंडीशन है, या तो डायरेक्ट चेक कर लो टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये ऐसे चेक कर लो। मतलब क्या, टी एक लीनियर मैप है, कहाँ से कहाँ, यू से वी पे, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो टी को लीनियर मैप बोलते हैं। हम मान कर चल रहे हैं कोई भी अगर मैप है यू से वी, यू वी पहले वेक्टर स्पेस होना जरूरी है, यू वी क्या है, अगर वेक्टर स्पेस है और टी कोई एक मैप है, और टी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, चाहे देखो ये दोनों या ये दोनों एक ही है, इन दोनों को मिलाओगे तो ये मिलेगा, ठीक है, चाहे इसको दिखा दो लास्ट वाला, चाहे इन दोनों कंडीशन को, अगर टी इन दोनों कंडीशन को या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस मैप को बोलेंगे लीनियर मैप। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू को भेज रहे हैं वी पे, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो कंडीशन है, ये लीनियरिटी का कंडीशन है, कोई भी फंक्शन लीनियरिटी कंडीशन होल्ड कब करेगा, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि यू के वेक्टर को वी पे भेजा जा रहा है, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दे दिया गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर वर्ड यहाँ से आया है कि जो टी होगा वो लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन यू के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके वी के पास भेज रहा है, ठीक है।
तो कोई भी अगर मैप है किसी वेक्टर स्पेस से किसी दूसरे वेक्टर स्पेस में, ये सेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। टी एक मैप है यू से वी के बीच में और टी इन कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, तो इस टी मैप को हम लोग बोलेंगे टी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन लिख देते हैं हम। चलिए जल्दी जल्दी लिखवा देते हैं, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन, इफ यू एंड वी, इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेस, आर टू वेक्टर स्पेस, इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड एफ, ओवरफिल्ड एफ, then overfilled f, then a map, then a map, ये जो map होगा कहाँ से कहाँ बताएं, tu से लेके v, then a map tu v call is called linear transformation, is called linear transformation, is called linear transformation, is called linear transformation, आर लीनियर मैप, आर लीनियर मैप, इसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या लीनियर मैप बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इसी को एक नया नाम बोलते हैं वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, चाहे लीनियर मैप बोलो, चाहे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देखिएगा, इफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म, इफ इफ क्या हो कि पहला कंडीशन टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और दूसरा कंडीशन टी ऑफ ए एक्स और ये क्या हो ए टी एक्स, पहले बताएं। ठीक है, फॉर ऑल A belongs to field, X belongs to U, और यहाँ for all X, Y belongs to U, ठीक है, ये कंडीशन लिख लो। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, ए वेक्टर इस पर देखिएगा ओवर फील्ड, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, ये ऑपरेटर को जो इसी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं, इसी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं, तो लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर देखो, इफ वी इज ए वेक्टर स्पेस, इफ वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड एफ, ओवरफिल्ड एफ, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ, टी सच दैट यू से वी इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर लिख लो।
इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, लिखिए।